नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बोछा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम के बाद जहां आरजेडी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, वहीं बोछा के बाजीगर साबित हुए हैं मुकेश सहनी, क्योंकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में एक ओर तो मुकेश सहनी कामयाब रहे, वहीं ऑपरेशन वीआईपी के बाद बीजेपी से, या हम यूं कहें कि एनडीए से अलग होने वाले मुकेश सहनी की गैर मौजूदगी का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में वोट मुकेश सहनी को मिले हैं। 30,000 के आसपास मुकेश सहनी को बोछा के उपचुनाव में वोट मिले हैं और बेशक मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर रहे हों, अगर आप मुकेश सहनी और बीजेपी के वोटों को मिला दें तो आप पाएंगे कि बीजेपी प्लस वीआईपी का वोट आरजेडी के आसपास था। मतलब अगर मुकेश सहनी अंत तक बीजेपी के साथ बने रहते, बीजेपी ऑपरेशन वीआईपी ना करती, एनडीए से मुकेश सहनी को दूध में मक्खी की तरह बाहर नहीं निकालती, तो हो सकता है कि बीजेपी का बोछा का किला बच जाता। लेकिन मुकेश सहनी के जाने का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि जैसे ही मुकेश सहनी गए उसके बाद अमर पासवान भी वीआईपी को छोड़कर आरजेडी में चले गए, जिस वजह से सहानुभूति वोट का भी नुकसान हुआ। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की गैर मौजूदगी का बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। और वहीं अगर वीआईपी की बात करें तो इस उपचुनाव के नतीजों के बाद मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत में अपनी उपयोगिता साबित कर दी और बता दिया कि जिन जिन विधानसभा सीट पर निषाद वोटरों की संख्या ठीक ठाक होगी, वहां पर मुकेश सहनी बड़ी संख्या में वोट लेकर आएंगे और बड़ा फैक्टर भी साबित होंगे, क्योंकि बोछा में भी माना जा रहा था कि निषाद वोटर बड़ी संख्या में हैं और ऑपरेशन वीआईपी की वजह से निषाद वोटरों में बड़ी नाराजगी थी, वो बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, जिस वजह से ये निषाद वोटर या तो वीआईपी के समर्थन में वोट करते नजर आए या फिर बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी के पक्ष में चले गए, जिस वजह से बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ और मुकाबला जो है बिल्कुल वन साइड हो गया। आरजेडी जीत गई और मुकेश सहनी भी अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहे, लेकिन पूरे चुनाव नतीजों के बाद हम देखें तो नुकसान में सिर्फ बीजेपी ही रही। तो उपचुनाव के परिणाम के बाद नुकसान बड़ा बीजेपी को हुआ, वीआईपी भी यहां पर अपनी अस्तित्व को बचाने में कामयाब रही, अपनी उपयोगिता बिहार की सियासत में साबित करने में कामयाब रही। और बोछा के परिणाम को दिखाकर या बोछा के रिपोर्ट कार्ड को दिखाकर उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव या 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन में मुकेश सहनी को एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि निषाद वोटर जो है वो सहनी के पक्ष में है, वो सहनी से सहानुभूति रखते हैं और ऐसे में किसी गठबंधन के साथ अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो फिर निषाद वोटर भी मुकेश सहनी के साथ उस गठबंधन में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हार कर भी जीत गए हैं मुकेश सहनी और इसलिए बन गए हैं बोछा के बाजीगर। तो बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।